राधे कृष्णा, जय माता दी, गीतिका एंड कृष्णा चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपने अगर अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो उसको खंडित होने से कैसे बचाएंगे। अगर आपके अखंड ज्योत बार बार खंडित होती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरी अखंड ज्योत में घी ख़त्म हो गया है, मुझे घी डालना है और इसकी बाती भी मुझे ऊपर करनी है। बाती के नाम से मुझे याद आया, अगर आपको बाती ऊपर खींचनी है तो आप इस तरीके से बाती को खींचिए जिससे कि 16 घंटे कंटिन्यू आपकी बाती जलती रहे, ये बहुत शुभ मानी जाती है। तो ये देखिए मैंने ये बाती बना ली है, इस तरीके से आप बाती बना लेंगे और दीपक में डाल देंगे घी। इस तरीके से देखिए मैंने बाती बनाई है और दीपक में डाल दिया है मैंने घी पहले से ही। तो अब करना है, जो मैंने बाती बनाई है उसको घी में भिगोना है अच्छी तरीके से, उसको भिगो करके फिर हमें ज्योति से ही अपना दीपक जलाना है, माचिस से नहीं दीपक जलाना है हमें, इसी ज्योति से दूसरा दीपक जलाना है जिससे कि हमें बाती खींचनी है ऊपर, उस टाइम हमें डर ना रहे कि बाती अखंड ज्योत हमारी बुझ जाएगी। अगर बुझ भी जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उसी ज्योति का जला हुआ एक दीपक रखा है। अगर आपकी ज्योति बुझ भी जाती है बाई चांस तो आप इसी ज्योति से अपना दीपक दोबारा से प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से करने से आपकी ज्योति खंडित कभी नहीं होगी। मैं इसी तरीके से करती हूँ और हमेशा करती हूँ। मैंने दीपक में घी डाल दिया है, दीपक अच्छी तरीके से जलने भी लगा है। यही था आज का मेरे वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय माता दी।